सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। माई नेम इज़ राजीव रंजन एंड वर वॉचिंग द एवियस इन माइंड। सर कैसे हो आप लोग? होपफुली आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बहुत मस्त होंगे। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्पाइस जेट के बारे में। जी हाँ गाइज, अभी स्पाइस जेट ने बिना ATC के क्लियरेंस के ही टेक ऑफ कर लिया था। तो स्पाइस जेट के पायलट ने ऐसा क्यों किया और क्या कुछ हुआ टेक ऑफ के बाद, इसके बारे में आज बात करने वाला हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर कोई भी पायलट बिना ATC के क्लियरेंस के अगर टेक ऑफ करता है जहाज, तो उसके पीछे क्या कुछ प्रोसीजर होता है, इसके बारे में आज बात करने वाला हूँ। और अगर आप चैनल पर नए हो और इसी तरह से एविएशन से रिलेटेड, एमी से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड, जॉब वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप लोग से प्लीज थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो यहाँ पे आ रहा होगा, जो इंस्टाग्राम का लिंक होगा वो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एंड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो वो पूछ सकते हो। सो एक्चुअली आज का बहुत कमाल का इन्फॉर्मेटिव प्लस इंटरटेनिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप एविएशन से जुड़े हो तो आपको तो पता होगा कि ATC का काम क्या होता है, यानी कि ATC का जो काम है उसका नाम ही है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। यानी कि जो ATC है वो एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, यानी कि कब जहाज टेक ऑफ कर रहा है, कब लैंड करना है, कब क्या, मतलब इससे रिलेटेड वो करता है। बट जरा सोचो, अगर कोई जहाज बिना क्लियरेंस के ही टैक्सी कर जाए, बिना क्लियरेंस के ही टेक ऑफ कर जाए, तो क्या होगा? आपने कभी सोचा है? सो गाइस देखो, मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आखिर जो ATC का काम है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या होता है। जनरली देखो, कोई भी जहाज जब टेक ऑफ करता है, यानी कि फाइनल जब टेक ऑफ करता है, तो उसके पहले DGCA से मल्टीपल टाइम्स उसको परमिशन लेना होता है कि क्या मैं टेक ऑफ कर सकता हूँ। और गाइस, टेक ऑफ करने से भी पहले बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे पुशबैक करने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता है जहाज को, जहाँ पे जहाज को पार्क करना है वहाँ पे ले जाने के लिए परमिशन करना पड़ता है, टैक्सी करने के लिए परमिशन चाहिए, और फाइनल रनवे तक पहुँचाने के लिए भी परमिशन चाहिए, और टेक ऑफ करने के लिए भी परमिशन चाहिए। तो यानी कि हर एक फेज में पायलट और जो ATC है उनके बीच में कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, ताकि इससे कोई हजार्ड ना हो। यानी कि एयरपोर्ट पे और भी बहुत सारे जहाज एट द सेम टाइम ऑपरेट करते रहते हैं, तो कोई और जहाज आकर टकरा ना जाए, और इंजन स्टार्ट करने से भी पहले परमिशन लेना होता है, लाइनअप करने से पहले परमिशन लेना होता है। सो गाइस, ये कहानी है 30 दिसंबर 2021 की, जब गुजरात के राजकोट से स्पाइस जेट के एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट ने बिना मैंडेटरी क्लियरेंस के, बिना ATC के मैंडेटरी क्लियरेंस के टेक ऑफ कर लिया। तो यार, बिना ATC के क्लियरेंस के टेक ऑफ करना ये तो बिल्कुल ही सही नहीं है, ये DGCA का जो गाइडलाइंस है उसके खिलाफ है। तो DGCA इसको एक प्रॉब इंसिडेंट मान रही है। तो यार, DGCA के द्वारा दिए गए रिपोर्ट्स की माने तो जो पायलट इसको ऑपरेट कर रहा था, यानी कि स्पाइस जेट को जो बिना ATC क्लियरेंस के टेक ऑफ किया, उसके खिलाफ बहुत ही कड़ा जो कार्रवाई है वो किया गया है, और उसको ऑफ रोस्टेड कर दिया गया है। यानी कि जब तक उसका प्रॉपर इंक्वायरी नहीं होगा हर एंगल से, तब तक वो फिर दोबारा रोस्टिंग में नहीं आ सकता है। सो यार, सबको पीछे छोड़ते हुए सबसे खुशी की बात यह है कि वो जहाज सेफली टैक्सी भी किया, सेफली टेक ऑफ भी किया, और सेफली लैंड भी कर गया, इसमें कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं है। बट फिर भी एक रूल का वायोलेशन है, तो इसके देखते हुए DGCA ने इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का जो काम है उसको शुरू कर दिया है। और गाइस, जो इंसिडेंट है ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, ना मैं उसको कुछ उस पर जजमेंट दे सकता हूँ कि ये क्यों हुआ। जब तक एक रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। बट गाइस, फिर भी एक सस्पेंस बना हुआ कि यार, बिना ATC क्लियरेंस के आखिर पायलट कैसे भूल सकता है, मतलब पायलट इतना बड़ा गलती कैसे कर सकता है, और क्या सच में गलती है या फिर कुछ और है। तो इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जब इसका रिपोर्ट सामने आ जाएगा। सो गाइज, यही था छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सोचा कि यार क्यों ना एज एविएशन लवर इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया जाए, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हाँ यार, आखिर स्पाइस जेट का जो फ्लाइट टेक ऑफ हुआ बिना परमिशन के, ATC के परमिशन के, वो क्यों हुआ और क्या कुछ हुआ। सो गाइज, यही था हमारा आज का छोटा सा इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको आज के वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आज के वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने के लिए एविएशन से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड, एमी से रिलेटेड, जॉब वैकेंसी से रिलेटेड, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मैंडेटरी है। अगर उसको आप प्रेस नहीं करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आईडी यहाँ पे आ रहा होगा, फटाफट जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, एंड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो वो आप पूछ सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मेरा एक ब्लॉग चैनल है जहाँ पे मैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ। तो आप में से जिन भाइयों को, जिन बहनों को, जिन माताओं को, जिन पिताओं को ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है, आपको ट्रैवल ब्लॉग देखना पसंद है, तो फटाफट जाइए मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ब्लॉग चैनल का लिंक होगा वो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट जाइए उसको भी प्यार दीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए। गाइस, आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो में। डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, डू डेवलप, प्लीज डोंट ट्रैवल एनीवेयर, टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।